Aquí, aquí ya. उधर निकला लगा हमें जी रूम का लॉक नहीं मिला तो हमें बताया गया अंदर से लॉक करके तो खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाना। ये है यहाँ पे रूम लॉक करने का तरीका। अच्छा जी, जो कल हमने सफ़र किया था 500-600 किलोमीटर फ्रॉम सियालकोट टू टीमरगढ़ा, और हमने आज यहाँ से जाना है कुमराट, जो होगा कम से कम 150 से ऊपर है, 160-170 किलोमीटर। वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रोड इतना अच्छा नहीं है। अभी हमने जाना है नाश्ता करने, नाश्ता करके फिर रेडी होकर सामान पैक करके फिर हमने निकलना है कुमराट के लिए। चेकआउट हमने करना है 12 बजे से पहले। कासिम भाई रेडी हो गए हैं हमारा, बाकी अब मोहसिन भाई गए हैं ग्लव्स लेने, मेरे हाथों में एलर्जी हो गई है इधर, ये तो बच गए हैं, तो सारे रेड हो गए हैं, ग्लव्स पहनने आज, इसके बगैर बाइक नहीं चलनी। तो अभी नाश्ता कर लें। अच्छा, होटल से चेकआउट करते वक्त ना बंदा पता नहीं ऐसा फील क्यों करता है कि यार कुछ ना कुछ रह गया पीछे। अच्छा, हमने निकलना था 10 बजे, 12 बजे निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, तो इस बार दफ़ा धूप बाहर बहुत है और मैंने ग्लव्स लेने हैं जाते वक्त क्योंकि मेरे हाथ फुल रेड हो गए हैं, ऊपर से जलन हो रही है। थैंक यू वेरी मच। लाला, वो मैंने कल आपसे टूथपेस्ट ली थी ना, वो रूम में गई है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा यार, होटल काफ़ी अच्छा है, अगर आप आ रहे हैं कुमराट तो ये शेल्टन होटल है। क्या नाम है, क्या है मोहसिन इस एरिया का, इस एरिया का नाम क्या है? हाँ नहीं यार, क्या कह रहे हो? पामिरगढ़ हम सबकी मेमोरी सेम ही है, पामिरगढ़ कह रहे यार, पता नहीं क्या नाम है, मुझे कोई 10-12 बार मैंने नाम पूछ लिया, मुझे भूल जाता है बार बार। तो यहाँ पर ये शेल्टन होटल है, ये नीचे मैं लिख देता हूँ क्या नाम है, शेल्टन होटल है। इतना महंगा भी नहीं है, 4000 में हमने डिनर भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया, अच्छा खाना था और रूम का भी, सो इतना महंगा नहीं है। अगर आप आएँ तो डू चेक इट आउट, ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। अच्छा, एक बात हमने जो कल फील की थी, यहाँ आते वक्त मास्क चेहरे पर पहन लें, चाहे हेलमेट भी पहना हो, उसका फ़ायदा ये है कि आपके लिप्स ख़राब नहीं होते हैं। खुश्क एरिया है थोड़ा सा, तो इसी तरह बाइक चलाते हैं तो लिप्स ज़रा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। रंग जा अपने ही रंग। मज़ा ग्लव्स मिल जाएंगे, दस्ताने ग्लव्स, ये नहीं बारीक कपड़े वाले हैं, बारीक। अच्छा जी, हम ग्लव्स ढूंढ रहे हैं काफ़ी देर से तिमरगढ़ा के बाज़ार में, हमें मिल नहीं रहे जो हम मांग रहे हैं। कभी लेबर वाले ग्लव्स मिल जाते हैं, कभी वो लेडीज़ बूढ़े वाले मिल जाते हैं। ये पकड़ाना लाला, खिताब, लाल खिताब। आपका क्या नाम है? फरहान खान। फरहान खान, ये खान भाई हमसे तरबूज के पैसे नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और ये तिमरगढ़ा बाज़ार है। ये वैसा ही लगता है ना, जैसे हम टीवीज़ में नहीं देखते, जब कोई न्यूज़ दिखाते हैं तो इनके बाजार होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। हो जा अपने ही संग तू, बना ले छोटी सी दुनिया।
गया था, पता नहीं क्या हुआ था, बड़ी ऊपर चला गया था और खुद ब खुद आगे उतरा ये पीक पे, ये रिवर के अगर थोड़ा सा उधर चला जाता ना, थोड़ा सा भी उधर, तो इसने अंदर ही जाके गिरना था, पर ये फुल किनारे पे गिरा, बच गया। असल में गर्मी है ना, गर्म हो गया। लाला ये कौन सी जगह है? ये सुचियातन है। सुचियातन कौन सा? सुचियातन। सुचियातन यार आज हमने बड़ा सफ़र तय कर लिया है, 78 किलोमीटर कुमराट सिर्फ रह गया है, और इस वजह से कि आज कासिम भाई भी फ्रेश हैं, हम सारे फ्रेश हैं, मज़े से बाइक चलाते आ रहे हैं, और रोड बड़ा अच्छा है, जितना जिस तरह मैंने इमेजिन किया था ना कि यार रोड बड़ा टूटा फूटा सा नज़र आएगा और 1 किलोमीटर में हमें बड़ी देर लग जाएगी, पर वो तरीके वो चीज़ नहीं है, बहुत खूबसूरत रोड है और हाईवे की तरह समझ लो वही लाहौर वाला रोड है। अच्छा यार अभी लड़ा ये जगह कौन सी है? कौन सी जगह है ये? रुंदेश। रुंदेश। अच्छा हमने रुंदेश में थोड़ा स्टे किया है क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर करके इस दफ़ा जाएंगे, और आज लंच करने लगे हैं हम यहाँ के एक लोकल ढाबे में, बड़ा मज़ा आएगा, लोकल का बड़ा खाना मशहूर होता है क्योंकि लोकल खाने को मिल जाता है, गोश्त खा खा नहीं खिलाते। अच्छा लाहौर में हमने बीफ नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया, पहले भी कम खाते थे, खाते ही नहीं थे, बल्कि अगर बाय चांस कहीं खा भी लिया तो नहीं, वो तो फिर नहीं, बहुत कम है, मैंने मुझे नहीं याद कि हमने कभी बीफ खाया, मतलब बहुत ज्यादा कुड़ी बजा के ले आया है। मैं तुम्हें सुना सीन की है, ये बीफ है प्योर लाहौर वाला नहीं है, ये भी बीफ है, ये लाहौरी बड़े आराम से खा रहे हैं, और एक बात बता रहे थे कि यहाँ के लोग जो पठान है ना वो गोश्त बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो वाकई टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, ये देखें ऑयल भी नहीं निकालने की कोशिश कर रहे, ऑयल भी इतना मज़ेदार है ना इसका कि ये जो सारे पैसे इस मसाले के हैं। अच्छा जी ये कुमराट की चेक पोस्ट है, सबसे पहले जब आप कुमराट में एंटर हो जाते हैं ना ये कुमराट की चेक पोस्ट है, और अंधेरा ख़त्म होने से पहले पहले हम पहुंच गए, हमने सोचा था कि अंधेरा हो जाएगा हमें, खैर अभी ये जो रास्ता है ना मेन ये वाला, ये सिर्फ जीप्स के लिए रास्ता है, यहाँ अच्छी गाड़ियाँ वो कई डब्बे भी आ गए हैं इधर, वे ये चढ़ सकते हैं, तो इधर आने से पहले एंट्री करवानी पड़ती है, तो हमारे टीचर हैं जो उनकी हैंडराइटिंग ज़रा अच्छी है तो वही लिखेंगे, आकाश इलाही वाह यार कितनी टाफियाँ रखी हुई थी, मुझे एक दी थी तुम लोगों ने, 34-602 और हम एड़े गड़े लोगों को नहीं दी। अच्छा जी सियालकोटी सियालकोट जामदी कोटी 34-602 SPO। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जब से मैं KPK में आ गया हूं ना, चाहे आप इमरान खान से इख्तलाफ़ करते हो, उसके फ़ैन हो या नहीं हो, यहाँ की पुलिस सिस्टम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, मतलब टोटली आपको गाइड करेंगे, जब हम पहले एंटर हुए थे KPK में उन्होंने बाकायदा हमें एक मैप दिया था, अपना एक कार्ड दिया स्पेशल के कहीं भी कोई लोकल तंग करे, कोई मसला आए तो आप डायरेक्ट कॉल करें। जान मोहम्मद नाम ही जान है, जान है, देख लो यार देख लो, फिर मुझे दिखा दो, बता रहे हैं कि इन जगह पे आपने जाना है, बने टीन के हैं पर इतना भी लो नहीं है यार, यार की है तोड़े रखे ने की है, मतलब ऐसा अच्छा कोई रूम ही नहीं पूरे कुमराट दे विच है, लला कोई अच्छा रूम नहीं है, दूसरा चेक कर ले, कोई अच्छा दिखाएं हमें, ये बस गले से ना उतारे यार, ये भी सेम ही है, टोटल सेम ही है तकरीबन, बेड वेड कहीं नहीं लगे रूम में, कहीं पे ये आरजी कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब आरजी बना हुआ है, खूमियत है। अच्छा यार भाई कह रहे हैं कि रूम सारे इधर ऐसे ही मिलने हैं, तो आप भी देख लें आने से पहले, यहाँ पे रूम यही मिलने हैं, बेड शेड कोई नहीं लगे होने, फुल सऊदी माहौल, थले गद्दे ते बस ये तोड़े भी लगे होंगे और ये गद्दे हैं नीचे लगे हुए, ठंड रात को बहुत ज़्यादा हो जानी है, इतनी ठंड की एक रजाई से काम नहीं चलना, दो रजाइयाँ मैं तो लूँगा, मैं तो एक्स्ट्रा मंगवा लेनी है, माहौल इस वक्त ऐसा हुआ बड़ा है, ठंड फुल हो गई है, वो सामने लेक जा रही है, लोगों ने कैंपिंग भी की है, हमने बेसिकली प्लान जो बनाया था वो हमारा कैंपिंग
का था, पर जब हम एंटर हुए तो हमें वो जान भाई पुलिस वालों ने बताया कि जब आप कैंपिंग करें तो अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि कैंपिंग करते वक्त लोग अक्सर थके हुए होते हैं और लोग उनका सामान उठा के ले जाते हैं। रिसेंटली कुछ ऐसा वाकया हुआ है, एक पूरा बैग ले गए जिसमें मोबाइल कैमरास बहुत सामान था। उससे पहले भी उन्होंने बताया कि ईद के दिनों में काफ़ी ऐसे वाकयात हुए हैं, इसलिए हमने कैंपिंग का प्लान कैंसिल करके, उन्होंने कहा कि होटल्स में रूम सेफ हैं तो हम होटल्स में स्टे करेंगे, होटल में स्टे करेंगे। रात के 10 बज गए हैं और ये जो है ना एरिया सारा ये अभी सो रहा है। खलोन यार मैं डर लग रहा है कल वादी कोई चुड़ैल आ गई थी और पाई स्कूल बड़ी चिकनाहट है, लथनी नहीं तेरे हाथ में बड़ी ठंड है यार। वो जम गए यकीन करो जितनी जितनी वो हमारे मिसाल देते हैं ना कि पौधे महीने ठंड पैंदी है वो उन्नी पैंदी है। मैं जैकेट नहीं लाया गया लला, टॉवल कोई मिलेगा बाद में? हां टॉवल कोई मिलेगा, तौलिया 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 तो भाई मुश्किल है यार, नहीं एक तौलिया तो मुश्किल है यार लाला। ये जंगल है, घर नहीं है, हम घर से हम दे सके इधर। भाई के बारे में जो हो तो मुझे बताना। नहीं नहीं बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हैं। ये यहाँ की स्पेशल कढ़ाई है, ये क्या है छोटे छोटे चिकन है यार। हमने वो पीछे जो शेल्टन होटल में कढ़ाई खाई थी वो वहाँ की स्पेशल थी, और ये कढ़ाई भी थोड़ी हमारे एरिया वाली कढ़ाई से डिफरेंट है। कढ़ाई कढ़ाई ओके, सो दिस इज द कढ़ाई। और मैं और कासिम भाई खाएंगे। ओह हाँ हाँ, ये रोटी है, साथ में सारे पैसे इसके हैं। ये जो बड़ी काली काली नजर आ रही है ना कढ़ाई के, यार मजे हैं इसके। क्यों आंटी काली है? काली काली है बड़ी। हाँ जितों हट वो मैं बहुत शौकीन हूँ बोतल का, जितों खा लिए ना चिकन या मटन इधर चुभ दी जाती है, स्वाद आ जाता है कसम। हूँ ही रोटी खा लिए। अच्छा यार कुमराट की थोड़ी सी रात दिखाता हूँ आपको। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और चिट्टा चोला चल रहा है। अच्छा जी, इस वक्त कुमराट की गलियों में घूम रहे हैं। उमर भाई हमें एक पार्टी पे लेके जा रहे हैं। उमर भाई फ्रॉम सियालकोट लाहौर। उमर भाई कभी सियालकोट का चक्कर लगाइएगा, इंशाल्लाह आएंगे आपके पास। हाँ तो ये उमर भाई को दावत हमने खड़े खड़े दे दी है। क्या खड़े खड़े? बे ना बुलवाओ, ना ना करया करो ना। क्या उमर भाई? ये लाहौर की बड़ी एक मशहूर शख्सियत है, इनसे मैंने तड़ला लिया कि मैं इंडस्ट्री च कोई चांस ले दो। ये जितना भी डांस था ये सारा इन्होंने किया और बड़ा जबरदस्त डांस किया वल्ला। हम सोने जा रहे थे, स्पेशली कासिम लेके आया कि तुझे डांस दिखाता हूँ, नींद ना उड़ गई तो बताना। वल्ला बड़ा जबरदस्त मजा आया। अभी सोने के लिए जो है ना थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, पर उमर भाई उमर के पास चले जाओ ना, उमर के पास चले जाओ। क्यों जी? तन में एंड सुनावा। ना ना ना